चोरकोट कायम भरवाना गिरदोनवाह में गर्ज चमक और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। हवा के साथ तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर भी टूट गया। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। बारिश के बायस नशीबी इलाके और रोड्स पर पानी भी जमा हो गया। गर्मी और हवस का जोर तो टूट गया, मौसम भी खुशगवार हो गया, अलबत्ता बिजली गायब हो गई। लोरालाई में इंतजामिया का आज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान चौहानिया और असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जमील अहमद बलोच की हिदायत पर लिविस के नफरी और पुलिस शहर के वस्ती बड़े नाले के आसपास तजावजात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालिया बारिशों से कच्चे पक्के मकान को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से निकासी आब के रास्तों में तजावजात शुरू हो गया था। बारिशों के पानी को रास्ता न मिलने की वजह से पानी शहरी इलाकों के ऊपर गुजरने लगा, जिसकी वजह कच्चे पक्के मकान भी आइंदा शदीद खतरात से लाहक होने लगे। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई को अवामी सतह पर सराहा गया। आवाम से भी इस ऑपरेशन में मदद की अपील, ताकि मुमकिन बारिशों से शहर और मकान को बचाया जा सके। अदालत आलिया के जस्टिस खालिद रशीद ने कहा है कि जो आदमी ओहदा मिलने के बाद बदल जाए उससे बुरा कोई आदमी नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि मैं भिम्बर आऊं और अपनी बार में ना आऊं? आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भिम्बर की क्रीम सोसाइटी से मुखातिब हूं। भिम्बर के सीनियर वकला से बहुत कुछ सीखा है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने भिम्बर बार की तकरीर से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि जहां तक जजेस की तैनाती का मामला है तो फिल वक्त सिविल जजेस की कमी है। जैसे ही हुकूमत ने तैनातियां मुकम्मल की, भिम्बर में नारवाल से प्रेयर शामिल करेंगे। जामपुर थाना सदर के नवाही इलाका डुमाला के खेतों में बारिश का पानी मौजूद था, जिसमें तीन बच्चे नहाते हुए डूब गए। कॉल मौसूल होते ही नारवाल के रेस्क्यू स्टेशन से दो एम्बुलेंसेज और एक रेस्क्यू व्हीकल को मूव करवा दिया गया। तीनों बच्चों को पहले ही निकाल लिया गया था। रेस्क्यू 112 के जवानों ने तीनों बच्चों को रास्ते से रेस्क्यू किया और तिबिंदास के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तीनों बच्चे सुहेल वल्द हनीफ उम्र 6 साल, गुलफाम वल्द जमील उम्र 11 साल और अहमद वल्स नवीद उम्र 8 साल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान हार गए। कासमाबाद के अहम इलाके बराई नगर, सज्जादाबाद, चन्नागोट, गलमेर हाउसिंग स्कीम में हालिया बारिशों की वजह से पूरे इलाके में बारिश और गटरों के पानी की लपेट में है। कचरे के ढेर भी मौजूद, गटरों और बारिश का पानी इतना मौजूद है कि बच्चे, बूढ़े और औरतें पैदल बिल्कुल भी नहीं चल सकते। गंदे पानी से मक्खी और मच्छरों का भी अफजाइश में इजाफा हो गया है। बच्चे और बूढ़े डायरिया में मुब्तला। डीसी हैदराबाद को शिकायत की गई तो उन्होंने एक्सीएन वाडा कासमाबाद शौकत शेख को कहा, लेकिन शौकत शेख ने डीसी हैदराबाद का हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया। मुतासर इलाके के मकीनों ने, सियासी समाजी और सिविल सोसाइटीज ने कमिश्नर हैदराबाद डीसी हैदराबाद से मुतालबा किया है कि मजकूरा मुतासर इलाकों की जानी भी तवज्जो दी जाए।